हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसके मैथ्स के इंडिसेस एंड सेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए टू द पावर 2x+2 इज इक्वल्स टू 1, देन एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले देखना है कि एक्स है कहाँ पे। तो एक्स दिख रहा है आपको दोस्तों ए के पावर में है। तो मैंने क्या बताया कि ए के पावर में है, तो इसे भी क्या करना होगा दोस्तों, ए बनाना होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे बनाए, यहाँ तो नंबर दिख रहा है। अरे भाई, तो ए का पावर अगर जीरो ले तो क्या होगा, वन ही होगा ना, है कि नहीं। तो इसको आप लिख सकते हो ना वन के प्लेस में, ए का पावर जीरो। ठीक है, तो देखोगे बेस बेस सेम, तो पावर पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये हो गया क्या, 2x+2 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया जीरो, है ना। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये उस साइड गया -2 एंड देन 2/2 करोगे तो 1, और ये साइन एक क्या हो जाएगा माइनस। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों -1, ऑप्शन नंबर हो गया बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 2 to the power 4, और ये अगेन दिया हुआ है पावर 1/2, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 256, देन पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखोगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड, 256। तो 256 आपको पता ही होगा कि 16 का स्क्वायर होगा, क्लियर है। तो अब दोस्तों अगर हम इस वाले को पावर पावर इंटू करें तो ये 2 से और ये 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 4 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स, यानी क्या होगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर बोलोगे क्या होगा, तो 2 का पावर 4 अगर ले ले तो यहाँ होगा 2 का पावर, इसको 4 नहीं, इसको डायरेक्ट कैंसिल ही कर देते हैं 2, तो 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब 4 का पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू आपको मिला 16 स्क्वायर। ठीक है, तो देखोगे अब इसको क्या करेंगे, हमें ये चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेस 4 है, तो इसको भी आप 4 बना लो, बना सकते हो, क्योंकि 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, और यहाँ से और एक स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 to the 4, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। तो आप देखोगे ऑप्शन में 4 कहाँ है, तो ये हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है 16 का पावर 9 डिवाइड 16 का पावर 4 एंड देन इंटू 16 क्यूब है इज इक्वल्स टू 16 का पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके प्लेस में क्या होगा, तो ये कहाँ है 16 के पावर में, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके 16 के पावर ही बनाएंगे कुछ। ठीक है, तो देखोगे अब ये क्या है, ये डिवाइड है ना ये दोनों, तो ये बेस सेम है, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 9 - 4, तो 16 का पावर क्या होगा दोस्तों, 9 से 4 गया 5 एंड देन इंटू है, तो 16 का पावर 5 इंटू 16 क्यूब, तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे हो गया 16 का पावर क्वेश्चन मार्क। सो बेस बेस सेम, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 5 + 3 आंसर हो जाएगा, तो 5 + 3 मीन्स हो गया 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व। अब यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है 112 × 5 का पावर 4, और ये क्वेश्चन मार्क आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो देखोगे इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ 5 का पावर 4 है ना, तो 5 × 5 अगेन 5 × 5 ये होगा। ठीक है, अच्छे अब देखोगे दोस्तों ये 5 × 5 मीन्स क्या हो गया 25, ये 5 × 5 मीन्स क्या हो गया 25। ऑप्शंस में देखोगे तो दोस्तों सब जगह जीरो है, तो 2 जीरो आपको दिख रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये 100 आने वाला है, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करो जी 100 आ जाए, तो बोलोगे 4 से। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, आप फैक्टर को निकालो, यानी आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से 1, 1, 2, 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका
फाइव टू जा टेन एंड देन वन सिक्स, ठीक है। अगेन टू से करोगे तो ये हो गया टू एट, देन अगर हम फोर से कर दे तो ये हो गया आपका सेवन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे, टू इंटू टू फोर, फोर और फोर, यानी ये हुआ ना 112 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 7। देखो आंसर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई सोचो कैसे करेंगे, विद इन सेकेंड हम आंसर को निकाल सकते हैं, 4 इंटू 7 होगा, ठीक है। अब ये 4 25 को इंटू करोगे तो कितना आया 100, अगेन 25 को इस 4 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 100, यानी दो जीरो और बचा क्या 7, तो इसको 7 से इंटू करोगे यानी आंसर कितना हो गया, ये हो गया ना 740, तो आंसर हो गया 70,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70,000, ऑप्शंस में देखोगे कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखोगे एक्स का पावर है 0.4 डिवाइड 16 देन इक्वल्स टू 32 डिवाइड एक्स का पावर 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखोगे दोस्तों एक्स कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे, ये 16 नीचे जाएगा और ये x नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 16 इसके साथ इंटू होगा और ये x जो है इसके साथ इंटू होगा। जब सेम अगर वेरिएबल अगर आपका सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे x का पावर यहाँ कितना है 0.4, यहाँ कितना है 2.6, ऐड करेंगे तो 2.6 में 0.4 को ऐड करोगे तो 3 होगा यानी एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 इंटू 32, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे x का पावर 3 है, तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दोगे इस 16 को 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है, और 16 को दोस्तों आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 का पावर 4 अगेन 2 इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको करते हैं 2 का पावर 4 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, अगेन 2 मीन्स 2 का पावर 1 है, तो पावर अब बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 4 4 8 प्लस 1 यानी 9, 2 का पावर 9 मिला, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना। तो देखोगे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसे भी तो क्यूब बनाना होगा ना, तो इसे क्यूब हम बना सकते हैं ना, यहाँ 3 3 से 3 करेंगे इस तरह से, 3 3 जा 9, सो 2 का पावर 3 कितना होगा 8 क्यूब, और 8 क्यूब दोस्तों आपको पता ही है क्या होगा, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये बेस सेम यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो देखोगे 512 होगा, देखो 16 2 जा 32, ठीक है, एंड कैरी कितना हुआ 3, 16 3 जा 48 3 51, 512, और 512 किसका क्यूब होता है तो आपको पता है कि 8 का क्यूब, तो यहाँ से भी x इजिकल्स टू 8, जैसा आप कर सकते हो, ठीक है, जो प्रोसेस ईजी लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 8, ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे 17 पावर है 3.5 इंटू 17 पावर 7.3 डिवाइड 17 पावर 4.2 इज इक्वल्स टू 17 पावर, क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है आपसे, इजी है। करना क्या है, ये इंटू दिख रहा है, पावर को ऐड करेंगे, ये डिवाइड दिख रहा है, इसको माइनस कर देंगे और आंसर आ गया, ठीक है। तो देखोगे 3.5 इसको प्लस कर देते हैं तो 5 3 8, 7 3 हो गया 10, यानी 10.8, माइनस कर दो 4.2 को, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6, यानी हो गया 6.6, ठीक है। तो पावर 6.6 मिला, 17 बेस था, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 6.6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6.6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जो भी आसाम कॉमन एग्जाम्स या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।